हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए एक रेसिपी लेकर आई हूँ, चिली पनीर। मैंने आप सबके साथ शेयर किया था चिली चिकन, कुछ कुछ ऐसे ही हम बनाएंगे चिली पनीर। चिली पनीर बनाने के लिए हमें चाहिए पनीर, ये 100 ग्राम पनीर है। इसके अंदर हम डालेंगे 2 चम्मच चावल का आटा और 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर। इसके बाद हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच नमक और थोड़ा सा पानी। पानी हम बहुत कम यूज़ करेंगे, सिर्फ 2 से 3 टेबलस्पून के करीब, और थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट आधा चम्मच के करीब। अब हम इसको एक मिक्स दे देते हैं। ये देखिए, मैंने इसको एक अच्छा सा मिक्स दे लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस पनीर को हम फ्राई कर लेंगे। आइए मैं दिखाती हूँ कैसे। ये देखिए, हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अपने पनीर के पीसेस को ऐसे एक एक करके सारे डाल देंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम अपने सारे पनीर के पीसेस को फ्राई कर लेंगे हल्की आंच पर। चिली पनीर बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए इसके ग्रेवी में डालने के लिए, वो है आधा चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच कैचअप और 2 चम्मच रेड चिली सॉस। ये मैंने एक ही साथ सब चीज़ें मिक्स कर ली हैं। ये हमें चाहिए 2 चम्मच हमें चाहिए रेड चिली पेस्ट, 1 चम्मच चाहिए हमें वाइट तिल और 1 प्याज और 1 छोटी शिमला मिर्च हमने ऐसे क्यूब्स में काट ली है। तो आइए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, हमारा पनीर फ्राई हो चुका है। अब हम इसको निकालेंगे और गैस की फ्लेम कर देंगे ऑफ। हम एक पैन लेंगे, अब उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, ऑयल को गर्म होने देंगे। उसके बाद हम डालेंगे अपनी प्याज और शिमला मिर्च। ये देखिए, इसको हमें सिर्फ 1 मिनट के लिए ऐसे सौते करना है, ज़्यादा हम इसको बनाएंगे नहीं, हमें क्रिस्पी रखना है। तो उसके बाद डालेंगे हम इसमें मिक्स देंगे रेड चिली पेस्ट, फिर से एक मिक्स, और अब हम इसकी सॉसेस को कम से कम 1 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। अब हम अपने ये तेल इसमें ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अब लास्ट हमें क्या करना है, अपने पनीर के पीसेस को हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको सॉसेस के साथ मिक्स कर लेंगे। मैं ड्राई चिली पनीर बना रही हूँ, आपको अगर ग्रेवी वाला बनाना है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी लीजिएगा आधा कप, और उसके अंदर आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डालिए 1 चम्मच, और उसको मिक्स करके आप इसमें ऐड कर दीजिएगा, तो आपका ग्रेवी वाला पनीर भी रेडी हो जाएगा। अब हम इसको 1 मिनट के लिए सॉसेस के साथ पकाएंगे। आप अगर चिली पनीर बना रहे हैं तो याद रखिएगा, आप नॉन स्टिक का पैन लें, वरना पनीर बहुत सॉफ्ट होता है, ये आपकी कढ़ाई में चिपक जाएगा। जो बाहर शेफ होते हैं वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, वो बना लेते हैं, लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं तो आप नॉन स्टिक ही लीजिएगा। देखिए, हमारा चिली पनीर रेडी है। आइए अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए, हमारा चिली पनीर बिल्कुल रेडी है। कितना टेस्टी लग रहा है, आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही सिंपल, इजी और बहुत डिलीशियस रेसिपी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरा चैनल ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।